युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच कुछ बातचीत होती हुई और यहां पर गुस्सा भी आ रहा था। युवराज ने उठा दिया है, बहुत ही लंबी हिट, बहुत बड़ी हिट। युवराज सिंह ने यहां पर कमाल कर दिखाया है। जाने जाते हैं युवराज सिंह ऐसे शॉट्स लगाने के लिए, और जब फुल फ्लो में हो तो उनसे बेहतर और पावरफुल बल्लेबाज कोई नहीं। और स्विंग जो है बहुत बेहतरीन, हाई बैक क्लिफ, बेहतरीन फॉलो थ्रू आइस बॉल के ऊपर, ऑन द अप बॉल को यहां पे उठा के गुड लेंथ डिलीवरी है, बहुत अच्छी तरह पिक किया उसका, बेहतरीन ह्यूज सिक्स यहाँ पे युवराज का। जवाब दिया इन्होंने फ्लिंटॉफ को, मुझे लगता है कि ये सबसे लंबा हिट होगा। मिसबा 111, अब देखना है कि 111 में पहुंचे कि नहीं। मुझे तो लगता है खतरा है, वो 111 का जो आंकड़ा है वो शायद पार कर दिया यहाँ युवराज ने। कभी भी हो सकता है, और जब ऐसे बलवान और ताकतवर बल्लेबाज मौजूद हों युवराज और धोनी जैसे, और जब एक बार टाइम हो जाए और बैट के बीच में लगे, जब स्वीट साउंड आए बल्ले की, तो बॉल कहीं भी जा सकता है। शानदार शुरुआत उस ओवर की, 11 गेंदें बाकी। सही शॉट, जैसे ही बैट में लगा इसमें कोई दो राय नहीं थी, कोई संदेह नहीं था कि ये 6 रन है। मेस्क्रस ने 5 छक्के मारे थे युवराज को, तो क्या आज भी यहाँ पूरा हो सकता है। 2 बॉलें, 2 गेंदें, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बेहतरीन टाइमिंग, ऑन द अप पिक किया लेकिन मिडिल से स्क्वायर लेग के बाहर बाउंड्री से, बेहतरीन शॉट, बहुत बेहतरीन क्रिकेट है, बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट का टाइमिंग युवराज का, लीन करके लास्ट मिनट तक देखा और फ्लिक किया रिस्ट को। 2 बॉलें, 2 सिक्सेस, और यहाँ पे परेशानियां बढ़ती हुई पूरी इंग्लैंड टीम के लिए। 2 बॉल, 2 छक्के, 10 गेंद बाकी, 183 पर स्कोर, युवराज तैयार। 26 बना चुके हैं 8 गेंदों में युवराज सिंह। अभी तक तो कहते हैं कि आई इन भी नहीं होती है, 26 बना चुके हैं। फिर उठाया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 6 रन लगातार, 3-6 रन, ये तो कमाल कर दिखाया युवराज ने। और कुछ असर निश्चित रूप से फ्लिंटॉफ की उस मुठभेड़ का भी है, फ्लिंटॉफ का गुस्सा ब्रॉड पे उतारते हुए यहाँ पे, और बेहतरीन स्ट्रोक, ये गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं, यॉर्कर करने की कोशिश की थी मगर बहुत जल्दी पिक किया और एक तरह से हाफ वॉली सब बना के लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तीसरा छक्का लगाते हुए यहाँ पे। ब्रॉड के पास कोई आंसर नहीं, ब्रॉड तो यही कह रहे हैं जैसे शमा परवाने से कहती है, रोकर शबे इज़रा, आज की रात बचेंगे तो कल सफ़र देखेंगे। पहले आज की रात तो बचे, 3 छक्के लग चुके हैं, ब्रॉड पर खासा दबाव। राउंड द विकेट से अब फुल टॉस, और ये भी शायद 6, ये भी 6 रन, 4 लगातार छक्के, ऑल अराउंड द ग्राउंड 24 रन आ चुके हैं, 195 पर 3 भारत। 4 डिफरेंट गेंदे, 4 सिक्स, हाई फुल टॉस और स्लाइस किया उसको पॉइंट के ऊपर से, यहाँ पे कोई आंसर नहीं ब्रॉड, नवयुग तेज गेंदबाज के लिए कहाँ पे युवराज को बॉल करें, हाई वो ये वैसे भी नो बॉल के करीब करीब था कि वेस्ट से ऊपर गया कि नहीं, अंपायर को देखना है। पहला लॉन्ग ऑन पे, दूसरा स्क्वायर लेग पे, तीसरा लॉन्ग ऑफ पे, चौथा पॉइंट के ऊपर से, यहाँ पे कोई परेशानी, परेशानी के साथ साथ अब गेंदबाज की समझ से बाहर कि अब मैं क्या करूं, किस तरह का गेंद करूं, किस तरह से रोकूं युवराज सिंह को। मुझे तो लगा वो नो बॉल करार दिया जाना चाहिए था, बहुत करीब था नो बॉल के। अब क्या गेंद करेंगे, सब ट्राई कर लिया, पॉसिबली नेक्स्ट बॉल ओवर द विकेट बाउंसर, ही एक बॉल रह गया है जो भी तकनीक है, और बहुत अच्छा पुल भी करते हैं युवराज, तो पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट बॉल यहाँ पे ब्रॉड करने की कोशिश करें। एक और, ये तो बहुत ही लंबा, बहुत ऊंचा, 6 रन, 5 छक्के, ओवर इनिंग समाप्त हो रहा, 30 रन आ चुके हैं, युवराज सिंह ने यहां पर एक करिश्मा ही कर दिखाया है। फीकी मुस्कान ब्रॉड के चेहरे पे, बिलीव नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, सपना तो नहीं है कहीं,
वापस फिर लॉब पे लेंथी बॉल करने को बहुत अच्छी तरह पिक किया और बहुत ऊंचा शॉट सीधा स्टैंड के अंदर जाता हुआ। पांच गेंदे पांच छक्के युवराज ने यहां पे लगाए हैं ब्रॉड की गेंदबाजी के ऊपर। उन्होंने सही जवाब दिया जो मैस्करेनस के पांच छक्के लगे थे उनकी गेंदबाजी पे एक दिवसीय मैच में, उसका जवाब दे चुके हैं। अब आखिरी गेंद, छह के छह हो सकते हैं कि नहीं, 200 पूरे हो चुके हैं भारत के। अगर 6 के 6 हो जाए तो कीर्तिमान रिकॉर्ड होगा। 2020 की बात करें, गैरी सोबर्स ने लगाए थे और रवि शास्त्री ने थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाए थे। बहुत लोगों ने ऐसे कामयाबी हासिल नहीं की है। और ये भी छक्का, 6 के 6 छक्के।